मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अनुकृति जी को मौका मिला है, उन्होंने अच्छे काम करे इसलिए उन्हें टिकट मिला है। अब वो हमारे लिए अच्छा करती है, महिलाओं के लिए अच्छा सोचती है, करती है, अच्छे काम है, सोशल मीडिया में भी अच्छे हैं, बहुत फेमस है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, उन्हें आना चाहिए और उन्हें अवसर मिलने चाहिए और अच्छे अच्छे वो हमारे लिए अच्छा कुछ सोचेंगे। बहुत अच्छा है कि राजनीति में नए चेहरों को, युवाओं को मौका दिया जा रहा है, मैं इसको इसकी काफ़ी सराहना करता हूँ। काफ़ी अच्छा है कि अनुकृति मैम राजनीति में आ रही है, उनको लेंस राउंड से टिकट मिला है। उन्होंने पहले भी महिलाओं के लिए काफ़ी काम किए हैं, उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश करी है, काफ़ी को रोज़गार मिला है, काफ़ी उनके ट्रेनिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं, और क्या कहते हैं, उन्हें अब चुनाव में टिकट मिला है तो आगे वो और बेहतर करेंगी। मतलब मुझे तो ये लगता है कि अब जो लोग आएंगे, जो नए लोग आएंगे, वो थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे यूथ के बेटरमेंट के लिए, इस मतलब अपने कंट्री के लिए अच्छे से मतलब काम कर सकेंगे। अनुकृति गोस्वामी हैं, अभी वो राजनीति में उतर गई, तो आप कैसे देखते हैं कि उनका राजनीति में आना कितना सही निर्णय? नहीं, उनका निर्णय अच्छा, उन्होंने दुनिया घूमी होगी अच्छा, मतलब मिस इंडिया थी ना, जी मिस इंडिया बनी थी, तो अच्छा, मेरे को तो लगता है कि अच्छा डिसीजन उनका, अच्छा फैसला, उनको कंटिन्यू करना चाहिए आगे। बहुत अच्छे से देखती हैं और वो पहले ही महिला के लिए इतना कुछ कर चुकी है, तो मुझे लगता है कि वो आने वाली उसमें बहुत अच्छे से करेगी। जी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सही होगा, क्योंकि अनुकृति गोस्वामी मैम जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो पहले ही महिलाओं के लिए, पहाड़ों के लिए बहुत कुछ कर चुकी है, बहुत काम कर रही है वो पहले से ही। अगर वो राजनीति में रहने से पहले ये सब कर सकती है, तो राजनीति के बाद आपको और ज़्यादा बेहतर करके दे सकती है, बस यही राय है मेरी इस बारे में। अच्छा करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, उन्होंने जब इतना मॉडलिंग में इतना सक्सेस किया है तो उसमें भी करेंगी।